मैदान बॉलीवुड की अन्य स्पोर्ट्स फिल्मों से कैसे अलग है? किन सभी कलाकारों ने एक कोच की अपनी भूमिका से दर्शकों को प्रभावित किया? बॉलीग्राड स्टूडियोज में सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत है। अजय देवगन और प्रिया मणि अभिनीत मैदान विश्व के लोकप्रिय खेलों फुटबॉल पर आधारित फिल्म है। यह एक बेहतरीन कोच की कहानी है जो भारत से निकला है, जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। यह अभी अविश्वसनीय सच्ची कहानी से प्रेरित है। प्रत्येक फिल्म की अपनी विशेषता होती है, ऐसे की मैदान के पास है। लेकिन जो इसे एक पेचीदा फिल्म बनाता है वह यह है कि फुटबॉल खिलाड़ी बेहद आक्रामक होते हैं और किसी विशेष भूमिका को तोड़ने के लिए उनके पास अलग अलग दंड होते हैं। मैदान में विदेशों से भी पैसा कमाने की क्षमता है, क्योंकि फुटबॉल का क्रेज दुनिया भर में है और यह कई फुटबॉल प्रशंसकों को ला सकता है सिनेमा के घर तक। ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें अभिनेताओं ने कोच की भूमिका निभाई। उनमें से कुछ को बहुत सराहना मिली और यहाँ तक कि फिल्म के असाधारण और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते। कुछ कलाकार जो एक कोच की भूमिका में दर्शकों द्वारा वास्तव में पसंद किए गए थे वे इस प्रकार हैं। शाहरुख खान SR के एक कोच की भूमिका निभाते जो एक खिलाड़ी के रूप में पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण दंड स्ट्रोक से चूकने के वर्ष बाद महिला हॉकी टीम को प्रकाशित करने का फैसला करते हैं। यह प्रशिक्षण के दौरान कठिनाइयों का पता लगता है, क्योंकि महासंगम वास्तव में महिलाओं की टीम की मदद करने को तैयार नहीं है। यह SR के ही बेहतरीन फिल्म में से एक है। वह अद्भुत थे कि कोच के रूप में कबीर खान ने अपने चरित्र को सही ठहरते थे। भारतीय महिला हॉकी टीम की भूमिका निभाने वाले अन्य अभिनेताओं ने एक भी शानदार काम किया। यह संपूर्ण प्रदर्शन था। R माधवन साला खड़ूस एक फिल्म का एक और रत्न है, जिसे ज्यादातर प्रशंसकों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। R माधवन एक बॉक्सर की भूमिका निभाते हुए नजर आए, जिन्होंने गंदी राजनीति के कारण इसे बड़े स्तर पर कभी नहीं बनाया, लेकिन कुछ साल बाद जी रिंग में लौटते हैं, इस बार महिला मुक्केबाज टीम के कोच के रूप में। वह कोचिंग के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है, लेकिन अंत विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप जीतने के लिए एक मछली विक्रेता की मदद करता है। फिल्म भारत में वास्तविकता से बहुत दूर नहीं है, जहां महिला एथलीटों को अभी भी चयन में प्रशिक्षण और पक्षपात से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। R माधवन ने महिला मुक्केबाज टीम के एक कठोर और सख्त कोच की भूमिका निभाई। रितिका, जिन्होंने R माधवन की छात्रा की भूमिका निभाई है, एक पेशावर मुक्केबाज और वास्तविक जीवन में एक उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, इसलिए वे फिल्म में एक सच्चे मुक्केबाज की तरह दिखती हैं। लेकिन बॉक्सिंग सीखने और बॉक्सर की तरह दिखने के माधवन को 1.5 साल तक ट्रेनिंग लेनी पड़ी। रणदीप हुड्डा, उन्होंने सुल्तान में सलमान के कोच के रूप में अपने शानदार प्रदर्शन से जिल जीता है। वह न केवल उसी अच्छे तरह से अभ्यास करने और प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उसे जीवन में सबको सबक भी देता है जो भविष्य में उसके लिए फायदेमंद होगा। अक्षय कुमार ने भारत की हॉकी टीम के कोच की भूमिका निभाई है। 1930 के पदक में भारतीय हॉकी टीम पूरी तरह से हावी थी। उसने लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन उन्होंने उसे यूनियन जैक फ्लैग का प्रतिनिधित्व मानते हुए ब्रिटिश भारत के रूप में खेला। टीम के मैनेजर अक्षय कुमार चाहते हैं कि भारत तिरंगे झंडे के लिए खेलते हुए एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गोल्ड मेडल जीते। वह 1948 के ओलंपिक के लिए एक टीम तैयार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भारत के विभाजन के बाद उसके कुछ खिलाड़ियों को छोड़ देता है। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भारत स्वर्ण पदक जीतने में सफल होता है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उनका पहला और निश्चित रूप से अंतिम नहीं है। अक्षय एक अच्छे से अच्छे पति के रूप में अपने अभिनय के साथ स्टार कलाकार हैं और अपने आस्तीन पर देशभक्ति पर दिल भी पहनते हैं। अक्षय एक अच्छे से अच्छे पति के रूप में अपने अभिनय के साथ स्टार कलाकार हैं और अपनी आस्तीन पर देशभक्ति पर दिल भी पहनते हैं। उनके पीछे संवाद आपको हैरानी कर देगा कि आपको उनके अभिनय कौशल की सराहना करेंगे और देशभक्ति की उनकी बात आपको भावुक कर देगी। हालांकि कुछ को यह थोड़ा उपदेशात्मक भी लग सकता है। उनका बंगाली हालांकि उनका सह कलाकार के लिए पूरी तरह से अलग लगता है। बॉलीग्राड स्टूडियोज को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है संस्कृत जलन ने।